नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। आज 24 जुलाई यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने बजट के दूसरे दिन गिरावट को लेकर कारोबार शुरू किया है, जिसमें सेंसेक्स ने 80,200 और निफ्टी ने 24,400 का लेवल छुआ है। हालांकि कल बाजार ने शुरुआती कारोबार में भी गिरावट लेकर कारोबार शुरू किया था, वहीं शुरुआती कारोबार के दौरान आज भी बाजार गिरावट लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके पीछे एक कारण बजट से उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों की हुई उम्मीदें भी हो सकती है। हालांकि इससे पहले कल भी 23 जुलाई को मार्केट में कारोबार में गिरावट को लेकर कारोबार बंद किया था। जानकारी के मुताबिक आज भी शुरुआती कारोबार में बाजार में सेंसेक्स में करीब 200 अंक की गिरावट देखी गई है, जिसके कारण सेंसेक्स ने 80,200 के स्तर पर कारोबार शुरू किया है। दरअसल आज भारतीय शेयर बाजार के टॉप गेनर्स की बात करें तो इसमें पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी के शेयर शामिल हैं। वहीं आज यानी बुधवार को शुरुआती कारोबार में टेक, महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो टेक्नोलॉजीज और टाइटन के शेयर में कमजोरी देखी गई है। दरअसल मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार गिरावट लेकर बंद हुआ था। इसका मुख्य कारण बजट से उम्मीद लगाए बैठे निवेशक और कुछ न मिलना बताया जा रहा था। हालांकि बजट के बाद आईटी कंपनियों के शेयरों में हल्का उछाल भी देखा गया था। दरअसल 13 प्रमुख क्षेत्रों में से 11 में वृद्धि दर्ज की गई। उच्च वजन वाले वित्तीय शेयरों में 0.7% की बढ़ोतरी हुई, जबकि सरकारी बैंकों में 1.9% की तेजी देखी गई। वाहन डीलरों के संगठन फाडा ने चुनाव परिणामों के बाद स्थिरता और बाजार धारणा में सुधार की संभावना व्यक्त की है। इसके परिणाम स्वरूप ऑटो शेयर में 0.8% की वृद्धि हुई, जबकि आईटी शेयर 0.8% गिर गए। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।